नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में 20 और 21 जून की राशिफल की। ये दो दिन इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि 21 तारीख को ग्रहण है, सूर्य ग्रहण, एक बड़ा ग्रहण जिसका बहुत बड़ा प्रभाव सभी राशि के जातक जातिकाओं के ऊपर शुभ या अशुभ तौर पर पड़ेगा। तो हम एक दिन पहले से ही सावधान हो जाएं कि हमें क्या करना है, और हमारा जो ग्रहण से पहले का दिन है वो किस प्रकार के प्रभाव देगा, हमें क्या तैयारियां करनी हैं, क्या नहीं करना है। और 20 और 21 दो महत्वपूर्ण दिन आते हैं जिसका राशिफल ये तय करेगा कि इस ग्रहण का क्या प्रभाव हमारे ऊपर होगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ग्रहण किस समय पड़ेगा, ग्रहण का प्रभाव क्या होगा, इन दो दिनों का राशिफल क्या होगा, उपाय क्या होंगे, मंत्र क्या होगा, दान क्या होगा, ताकि आप संपूर्ण रूप से इस ग्रहण का लाभ उठा सकें। और जिनके ऊपर इस ग्रहण का अशुभ प्रभाव है, यानी जिन राशियों के ऊपर इस ग्रहण का अशुभ प्रभाव है, वो लोग भी सावधान रह सके और उपाय करके ग्रहण के अशुभ प्रभाव को समाप्त कर सके या कम कर सके। तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है। ये विशेष तौर पे हमने आपकी राशि के लिए ये वीडियो बनाया है। तो ध्यान से अगर एक एक बात को सुनेंगे और समझेंगे तो फायदा सिर्फ और सिर्फ आपका है। जैसा कि आप सभी को पता है, 21 जून को एक बड़ा सूर्य ग्रहण है, प्रभाव संपूर्ण विश्व पर पड़ेगा, भारत पर पड़ेगा, आप पर पड़ेगा, मुझ पर पड़ेगा, प्रकृति पर पड़ेगा, हर इंसान पर पड़ेगा। और क्या असर पड़ेगा ये मैं आपको बताऊंगा ही। तो सबसे पहले जान लेते हैं ग्रहण काल का वक्त। ये ग्रहण का वक्त जो है बहुत ही सुनहरा वक्त होता है साधक के लिए। इसमें मैं आपको आपकी राशि के अनुसार एक मंत्र बता रहा हूं जिसका जाप करने से आपको विशेष शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। ये ग्रहण काल का जो वक्त मैं बता रहा हूँ वो नई दिल्ली यानी दिल्ली NCR के हिसाब से बता रहा हूँ। आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ के हिसाब से ग्रहण के वक्त में 1 या 2 मिनट का ऊपर नीचे हो सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो ग्रहण जो है वो 21 तारीख को प्रारंभ होगा 10:20 पर सुबह लगभग, और परम ग्रास होगा 12:02 पर लगभग। ग्रहण काल की समाप्ति होगी 1:49 PM पर लगभग, यानी दोपहर के वक्त। शुरुआत होगी सुबह और समाप्ति होगी दोपहर के वक्त। टोटल जो ग्रहण की अवधि है ये 3 घंटे 28 मिनट 36 सेकंड की होगी। सूतक प्रारंभ हो जाएगा 9:52 AM से 20 जून की रात्रि से, और ये जो सूतक है समाप्त होगा 21 जून को 1:49 पर जब ग्रहण समाप्त होगा। तो ये आपको ग्रहण से संबंधित जानकारी मिल गई वक्त की। अब जो साधक हैं वो इस वक्त का लाभ उठाकर साधना करें। जो सामान्य व्यक्ति हैं उनके लिए भी जानकारी दे रहा हूं। तो चलिए अब आपकी राशि के अनुसार से इस जानकारी को जानते हैं, और फिर मैं आपसे कहूंगा पूरा वीडियो देखने का प्रयास करिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। यह जानकारी चंद्र राशि पर आधारित होगी। शुरुआत करते हैं हम इस वीडियो की आपकी राशि के अनुसार। उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात और जान लेते हैं कि 20 और 21 तारीख का शुभ अशुभ समय क्या होगा। 20 तारीख का अभिजीत मुहूर्त जो है वो 11:55 AM से 12:20 PM होगा, और 21 तारीख का अभिजीत मुहूर्त जो है 11:55 AM से 12:51 PM तक होगा। 20 तारीख का राहु काल जो है 8:55 AM से 10:19 AM तक होगा। 21 तारीख का जो राहु काल है वो 5:34 PM से 6:23 PM तक होगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है शुभ अशुभ समय की जानकारी। जैसा मैं रोज कहता हूँ कि शुभ समय में शुभ काम, अशुभ समय में सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। बात करते हैं आपकी राशि
मिथुन की। मिथुन राशि के जातक जातिकाएं ध्यानपूर्वक सुने और समझे। आपको आपकी सेहत का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, वाहन ठीक प्रकार से चलाने की आवश्यकता है, कोई पुराना छोटा बड़ा रोग परेशान कर सकता है, खरीदारी करने का मन करेगा लेकिन अपनी जेब को देखें कि क्या समय की डिमांड है इन तारीखों में पैसा खर्च करना या इन जरूरतों को टाला जा सकता है, इस बात का ध्यान रखें। खर्चा उतना ही करें जितना जरूरत का हो, ध्यान रखें। माता पिता हों या घर के अन्य बड़े लोग हों तो उनकी बात को मानना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, उनकी सलाह को मानना आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। माता पिता अपने बच्चों की पढ़ाई के ऊपर विशेष ध्यान दें, उनकी हरकतों पर ध्यान दें, कहीं वो भटक तो नहीं रहे या उनको कोई रोग तो नहीं सता रहा है जिसकी वजह से उनका मन पढ़ाई में नहीं लग पा रहा है, और वो कुछ ऐसा रोग है या ऐसी कोई परेशानी है जिसको आपके बच्चे आपको बता भी नहीं पा रहे हैं, या आप बड़े हो गए हैं, आप कंफ्यूज हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हो क्या रहा है। तो इसके लिए सलाह चाहिए, डॉक्टरी सलाह चाहिए, डॉक्टरी सलाह लें, किसी अन्य की सलाह चाहिए वो सलाह लें, लेकिन समस्या का निदान करें आपके लिए बढ़िया रहेगा। मन को भड़कने ना दें, दिमाग को अस्थिर ना होने दें, अपने घर का ख्याल रखें, घर का कोई इलेक्ट्रिक का सामान चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो या फिर मोबाइल हो, खराब हो सकता है, टूट हो सकता है, चोरी हो सकता है, सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। यात्रा कम से कम करें या ना करें इन दो दिनों में। बच्चों के गलत संगति में पड़ने की बहुत आशंका है, ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। व्यापारी वर्ग को लाभ होने की संभावना है, अगर आप नौकरी करते हैं तो आप नौकरी से संतुष्ट होंगे और नौकरी में आपके काम जो भी आप काम करते हैं उससे आपको बॉस का सपोर्ट भी मिलेगा। अविवाहित हैं तो विवाह प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है इन दो दिनों में। जीवन साथी का साथ आप भी पूरा देंगे और जीवन साथी का साथ भी आपको पूरा मिलने की संभावना है। 21 तारीख को काफ़ी परेशानियों से राहत मिलेगी लेकिन कुछ नई परेशानियां शुरू भी होंगी। आप आज के दिन सोच समझकर हर फैसला करें, आप अपनी मेहनत को बिल्कुल भी कम ना करें। कोई भी सपना तभी हकीकत में बदलेगा जब आप उसके लिए वैसा ही प्रयास करेंगे। तो सपने देखिए, मेहनत करिए और आगे बढ़ते चले जाइए। तो थोड़ा सा समय इन दो तारीखों में मिथुन राशि वालों के लिए कठिन है लेकिन आप अपनी बुद्धि विवेक से और कुछ उपायों से आगे बढ़ जाएंगे। अब बात करते हैं ग्रहण का क्या असर आपके ऊपर पड़ने वाला है। आपको यह ग्रहण अशुभ प्रभाव देने वाला है क्योंकि आपकी राशि पर लग रहा है ग्रहण, तो आपके आत्मविश्वास को आपको बनाकर रखना होगा। ओवर कॉन्फिडेंस में, जल्दबाजी में, बिना सुने, बिना समझे, बिना पूर्ण बात को जाने कोई भी फैसला कर लेने पे बड़ा नुकसान हो सकता है। हर छोटा बड़ा फैसला लेने से पहले परिवार के सदस्यों की सलाह, अच्छे मित्रों की सलाह या एक्सपर्ट की सलाह लेना बहुत जरूरी हो सकती है। काम में अपना जुड़ाव पूरा रखें, काम को टाले नहीं, उग्रता या उतावलापन या जोश की अधिकता बिल्कुल भी नहीं लेके आए, वरना ग्रहण से आपको अगले एक महीने तक नुकसान होने की संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं। आप चीजों को सुलझाने की बजाय उलझाए नहीं, सीधे रास्ते से जाने का प्रयास करें। आप अपने दिमाग को एकाग्रता के साथ प्रयोग में लेकर आएं, गृहस्थ का निर्माण करें, गृहस्थ का जो निर्माण है उसमें अपना पूरा सहयोग दें, नहीं तो गृहस्थ की समस्याएं आपसे रूबरू हो जाएंगी और जिसकी वजह से इस ग्रहण का प्रभाव गृहस्थ पर पड़ेगा और आपको पारिवारिक समस्याओं को भी झेलना पड़ सकता है आर्थिक समस्याओं के साथ में। व्यापारिक पार्टनरशिप में तनाव की स्थिति पैदा ना हो तो ऐसा कोई मौका ही ना दें तो बढ़िया रहेगा। गलत शब्दों के प्रयोग से बचें, क्रोध से बचें, जुबान पर काबू रखें और धैर्य से हर एक काम को करते हुए आगे बढ़ें। समस्याएं हैं तो समाधान भी है, इस ग्रहण को देखना बिल्कुल भी नहीं है, बाहर निकलना बिल्कुल भी नहीं है। हरी वस्तुओं का दान, जैसे अनाज हो गया, हरा चारा हो गया, गाय को खिला दिया, जानवरों को खिला दिया, हरे वस्त्र का दान करना और आप बुद्ध के मंत्रों का स्मरण कर सकते हैं ग्रहण काल के दौरान, जिससे आपको बहुत लाभ होगा। गेहूं का दान, गुड़ का दान कर सकते हैं, आपको इससे भी बहुत लाभ होगा। तो कुल मिलाकर ग्रहण काल के बाद आप हरी चीज़ों का दान, हरे वस्त्र का दान, चाहे वो सब्जियां हो, चाहे वो अन्य चीज़ें हो जो गाय को खिला सकते हैं, उसका दान करें और
दक्षिणा का भी दान करें, कुछ दक्षिणा भी दे सकते हैं जरूरतमंद को। और यदि समस्याएं बहुत ज्यादा हैं तो आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करना चाहिए और गायत्री मंत्र का जाप भी करना चाहिए। और वो मंत्र जिस मंत्र को करने से आपको बहुत राहत मिलेगी ग्रहण काल के दौरान, वो मंत्र है ओम ब्रा ब्री ब्रौ सा बुद्धाय नमः। इस मंत्र का स्मरण जरूर करिएगा यथासंभव एकांत में शांत रहकर, आसन के ऊपर बैठकर स्मरण शक्ति का प्रयोग करते हुए करिएगा। गायत्री मंत्र का पाठ, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप या फिर इसके साथ साथ महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी यथाशक्ति किया जा सकता है मिथुन राशि वाले जातक जातिकाओं के द्वारा, ताकि आपके परिग्रहण का कोई अशुभ प्रभाव ना पड़े। बाकी मैंने आपको 20 और 21 तारीख का राशिफल बता दिया ताकि आप इस दिन को बढ़िया तरीके से बिता पाएं और ग्रहण काल में इन मंत्रों का जाप करें, ग्रहण से पहले नहाएं, ग्रहण के बाद में नहाएं और शुद्ध होकर दान करें, ईश्वर के नाम की भक्ति करें, आपके लिए लाभ होगा। तो मैं सभी प्रिय मिथुन राशि वालों से मैं यही कहना चाहूंगा, अगले एक महीने तक थोड़ा सा सब्र रखने की आपको आवश्यकता पड़ सकती है। धैर्य का साथ लें, सब्र का साथ लें और ओवर कॉन्फिडेंस को पीछे रखते हुए आगे बढ़ें, नुकसान की संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी। आपका जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है 20 और 21 तारीख को, शुभकामनाएं। लेकिन ग्रहण काल के दौरान शोर शराबा पार्टी वार्टी मत करिएगा, बाद में कर लीजिएगा और जितना हो सके सात्विक भोजन खाइए और खिलाइए। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। समस्याएं हैं तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हरिओम, नमस्कार।